हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, लाइक एज यूपीएससी, बीपीएससी व किसी भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के लिए हम लोग एनसीईआरटी के बुक्स को किस तरीके से इफ़ेक्टिवली पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं इस चीज़ को बताने से पहले आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ। सबसे पहले हम किसी भी स्टडी को, चाहे वो एनसीईआरटी हो या कोई भी हमारा जो नॉर्मल स्टडी हो, उसको हम लोग किस तरीके से इफ़ेक्टिवली कर सकते हैं। इसके करने के कुछ मुख्य मंत्र होते हैं जो मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप जो भी चीज़ पढ़ें उसको आप याद करने की कोशिश करने से बेहतर है कि आप उसको समझने का प्रयास करें। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर आप उस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं तो उसमें आपके जो भी बातें मौजूद हैं वो खुद ब खुद आपको याद हो जाएंगी। अब लेकिन आपके मन में ये भी सवाल आएगा कि बहुत सारे ऐसे फैक्ट होते हैं जिसको आपको याद करना ही होगा। लाइक एज मान लीजिए कि आपका कोई डेटा है, जो आपके अगर आप इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हो तो उसमें कोई डेटा आ रहा है, तो उस डेटा को आपको याद करना ही होगा, उसको आप फैक्चुअली समझ नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ बॉन्डिंग होता है जहां पर आपको याद करना पड़ता है। लेकिन फ्रेंड्स, मैक्सिमम चीज़ को अगर आप समझने का प्रयास करते हैं तो आप उसको समझ करके आसानी से अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपने इस टॉपिक पर आते हैं कि एनसीईआरटी बुक्स को किस तरीके से हम लोग इफेक्टिवली पढ़ सकते हैं, लाइक एज फॉर यूपीएससी, बीपीएससी या कोई अन्य स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि आपके मन में सवाल आएगा कि हम लोग किस एनसीईआरटी के बुक्स को सेलेक्ट करें। तो यहाँ पर आपके पास दो च्वाइस है, या तो आप ओल्ड एनसीईआरटी बुक को परस्यू कर सकते हैं, या आप न्यू पैटर्न वाले एनसीईआरटी को आप मतलब उससे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आपके लिए बेटर कौन होगा, मैं आपके सामने बेटर और थोड़ा सा उससे कम लेवल वाले बातों को रखूंगा। तो आपके लिए बेटर होगा कि आप जो ओल्ड एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ने की कोशिश करें। अगर वो आपको मार्केट में नहीं मिलता है तब कोई बात नहीं, आप न्यू एनसीईआरटी जो न्यू पैटर्न है उसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स, आपके मन में अगर कंफ्यूजन था इससे रिगार्ड कि ओल्ड पढ़ा जाए या न्यू पढ़ा जाए, तो आप ओल्ड को ज़्यादा तरजीह दें। अगर आपको ओल्ड एनसीईआरटी मार्केट में आसानी से उपलब्ध नहीं हो रहा है तो आप न्यू पैटर्न वाले एनसीईआरटी को भी पढ़ सकते हैं। बस दोनों में थोड़ा सा कंसेप्ट और थोड़े एग्जाम्पल्स का फ़र्क है, बाकी सिलेबस के हिसाब से कुछ खास फर्क उसमें नहीं है। अब हम लोग बात करें कि किस क्लास से पढ़ा जाए। तो कुछ सब्जेक्ट्स के लिए फ्रेंड्स आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के एनसीईआरटी को आपको पढ़ना होगा, लेकिन कुछ के लिए आपको सिर्फ 11th और 12th को ही अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे ढंग से तो आपको इसके नीचे वाले इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब मैं आपके सामने सबसे पहले रखता हूँ कि एनसीईआरटी बुक्स को अगर हम लोग चार रीडिंग में हम लोग डिवाइड करेंगे, यानी आपको एनसीईआरटी बुक्स जो पढ़ना है उसको हम लोग चार रीडिंग में डिवाइड करेंगे। तो उस चार रीडिंग में आपको करना क्या है कि सबसे पहला जो आपका रीडिंग होगा, तो फर्स्ट आप किसी भी सब्जेक्ट को आपको सबसे पहले आपको करना क्या है कि अपने प्रिपरेशन का सबसे फर्स्ट स्टेप क्या रखना है कि आप किसी एक सब्जेक्ट को चूज करें। लाइक एज अगर हम ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले हम ज्योग्राफी को ही सेलेक्ट करेंगे और इसके आपको क्लास सिक्स से ही आपको इसको पढ़ना शुरू कर देना है। क्लास सिक्स के आप पढ़ेंगे, उसके बाद आप क्लास 7 को पढ़ सकते हैं, क्लास 8 को पढ़ सकते हैं, क्लास 9 को पढ़ सकते हैं। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि आप क्लास सिक्स के ही बुक को दूसरा रीडिंग करें। अब फर्स्ट रीडिंग में आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है, तो सबसे पहले आपको फर्स्ट रीडिंग में क्या करना है कि बस आपको ओवरव्यू लेना है कि आपके सिलेबस में कौन कौन सी बातें वहां पर अवेलेबल हैं। बस उसको आपको एक न्यूज़पेपर की तरह आपको उसको सिर्फ पढ़ते चले जाना है, उसमें आपको समझने की कोशिश नहीं करना है आपके फर्स्ट रीडिंग में। उसके बाद अगर आप उसी बुक की अगर सेकेंड रीडिंग करते हैं तो उसमें आपको करना क्या होगा कि थोड़ा सा आपको वहां पर रुक के, यानी कि आपको आपका एक टारगेट सेट करना होगा कि एक दिन में हमको कितने चैप्टर्स को क्लियर करने हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सेकेंड रीडिंग में आपको आसानी से किसी भी बात को समझने का प्रयास करना होगा और उसको समझने के बाद हम लोग उसको आसानी से कर सकेंगे। तो सेकेंड रीडिंग में आपको एक और मुख्य बात को ध्यान ये रखना है कि आप जो भी कंसेप्ट्स आपके सामने आती हैं उसको समझें, और जो चीज़ आपको जो बातें आपको समझ में नहीं आ रही उसको समझने के लिए आप किसी अन्य जो आपके स्टूडेंट्स में या आपके फ्रेंड्स में जो फ्रेंड सर्कल में जो नॉलेजेबल पर्सन है उससे आप सलाह ले सकते हैं। आप यूट्यूब कर सकते हैं या फिर आप उसको गूगल पर सर्च करके पहले अपने उस कन्फ्यूजन को क्लियर करें, तभी आगे बढ़े, तब जाकर आपका एक कोर आपके माइंड में डेवलप हो जाएगा। और एक बात मैं आपके साथ और इसके साथ मैं आपके साथ मिलाना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ कि आपको जो भी शब्द वहाँ पर आए उसके बारे में आप कुछ सोचे समझे। जैसे लाइक एज अगर आप
इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं तो वहां पर आपके सामने आया सतत विकास, तो सतत विकास यहाँ पर आपके सामने आया, तो ये सिर्फ इसको आप सतत विकास पढ़ के आगे ना बढ़ जाएं, इसके बारे में समझे कि ये होता क्या है। एक शब्द के बारे में अगर आप कम से कम 20 से 50 वाक्य अगर आप लिखना शुरू कर देते हैं या लिख लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका प्रिपरेशन जो है सो बहुत ज्यादा बेहतर चल रहा है। अब अगर हम लोग बात करें इसके थर्ड रीडिंग में, थर्ड रीडिंग के बारे में, तो आपको थर्ड रीडिंग को भी जो करना है वो फर्स्ट रीडिंग के ही जैसा करना है। कहने का मतलब ये हुआ कि बस सिंपली आपको उसको पढ़ते चले जाना है, और थर्ड रीडिंग में कभी कभी आपको ऐसा भी महसूस होगा कि कुछ टॉपिक्स जो सेकेंड रीडिंग में छूट गया था या सेकेंड रीडिंग में मैंने जिस टॉपिक पर ध्यान नहीं दिया था तो उस पर आपको रुक के उसको ध्यान देना है, और उसको समझने के बाद अगर आप चाहें तो कुछ फैक्चुअल चीज़ का आप नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर इसके चौथे स्टेज यानी चौथे रीडिंग के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसको आपको करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करना है। जैसा कि फ्रेंड्स आपको मालूम है कि कोई भी आपका एग्ज़ाम जो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, चाहे वो सीएसई का हो या और भी बहुत सारे वेरियस एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स होती है, तो उसमें करंट अफेयर्स का जो पोर्शन होता है वो काफ़ी भारी वेटेज रखता है। तो आपको अपने टॉपिक्स को भी करंट अफेयर्स के हिसाब से प्रिपेयर करना होगा। अगर मान लीजिए कि आज इंडिया में अगर अर्थक्विक यानी भूकंप आता है तो आप अपने भूगोल के उस चैप्टर को ओपन करेंगे जिसमें आपको अर्थक्विक यानी भूगोल के बारे में कॉन्सेप्ट्स को बताई गई है, और वहां से उन सारे कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे कि भूकंप क्यों आता है, भूकंप आने का क्या क्या कारण है, इसके आने के बाद क्या क्या नुकसान होते हैं, उसके बाद इसकी किस तरीके से इसका प्रबंधन यानी रोकथाम की जा सकती है। तो इसको अपने करंट अफेयर्स के साथ भी इसको जरूर प्रिपेयर कर लें। तो ये मुख्य एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ने का मुख्य रूप से चार जो तरीका है मैं आप लोगों के सामने रख चुका हूँ, और इसको एग्जाम्पल के साथ और बुक लिस्ट के साथ मैं आपके साथ इसको शेयर करूंगा अगले वीडियोस में, जिसमें आपको बताया जाएगा कि किस सब्जेक्ट्स के लिए आपको किस क्लास के एनसीईआरटी को आपको अच्छे से पढ़ना है। तो फ्रेंड्स ये वाला वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, और जाते जाते मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि इस चैनल पर आपके यूपीएससी बीपीएससी व अन्य स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए बहुत सारे कोर्सेज को लॉन्च किया जा चुका है, उसकी प्रिपरेशन इस पर कराई जा रही है, तो आप उन सारे वीडियो को भी जरूर देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।